हमास से चल रही जंग के बीच में अब इसराइल की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है, और वो इसलिए क्योंकि एक मोर्चे पर युद्ध में उलझे इसराइल पर हिजबुल्ला के लड़ाकों ने अटैक तेज कर दिया है। हिजबुल्ला ने इसराइल के दोविव में हमला कर बहुत बड़े नुकसान का दावा इधर कर दिया है, लेकिन उधर हिजबुल्ला से मिली चुनौती के बाद इसराइल ने अपनी ताकत दिखाई और एयर स्ट्राइक करके लेबनान में हिजबुल्ला के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। सबसे बड़ी टेंशन हिजबुल्ला, हमास के लिए कुछ भी करेगा हिजबुल्ला। हमास हिजबुल्ला का मास्टरमाइंड ईरान, हिजबुल्ला ने इसराइल के इलाकों पर रॉकेट से हमला कर दिया। हमला इतना जोरदार था कि सड़क पर खड़ी दो कार तबाह हो गई, कार में आग लग गई और इससे धुआं निकलने लगा। दावा किया गया कि हिजबुल्ला ने इसराइल के दोविव में रॉकेट से हमला किया जिसमें कई लोग घायल हो गए। हिजबुल्ला के हमलों का जवाब इसराइल की सेना ने दिया और लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी गई और हिजबुल्ला के ठिकानों को तबाह कर दिया। हिजबुल्ला और लेबनान के बीच चल रही जंग के मोर्चे से कई ऐसी तस्वीरें आई जिसमें इसराइल और हिजबुल्ला के बीच भीषण जंग दिखी। कभी हिजबुल्ला ने इसराइल के इलाके पर हमला किया और जंग जारी रखने का ऐलान किया। हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में इसराइल की सेना ने लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हवाई हमला कर दिया। और उसके कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। इसराइल के एयर स्ट्राइक के बाद इसराइल और लेबनान बॉर्डर धुएं में घिरा दिखा। लगातार हिजबुल्ला और इसराइल एक दूसरे पर लगातार अटैक कर रहे हैं, ड्रोन से अटैक कर रहे हैं, और इसराइल में हिजबुल्ला ने कई गाइडेड मिसाइल से अटैक किया, कई मिसाइल्स से निशाना बनाया है इसराइल की सेना की सैन्य टुकड़ी को। तो लगातार हमले जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं इसी इलाके में, और अब से थोड़ी देर पहले एक जो धमाका हुआ है वो उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए जिस तरह से बम ड्रॉप होता है वो थोड़ी देर के लिए गुब्बार उठता और उसके बाद वो धूल जो होती है उसके बाद वो सेटल भी हो जाती है। हिजबुल्ला के वॉर प्लान में उलझा इसराइल। एक तरफ इसराइल ने अपनी पूरी ताकत गाजा में हमास को उखाड़ फेंकने में लगा दी है। 7 अक्टूबर को हमास के हमलों के बाद इसराइल ने हमास के खिलाफ गाजा में जंग छेड़ दी है। इसराइल की सेना रोज गाजा में हमास के ठिकानों को टारगेट कर रही है। इसराइल की सेना कभी गाजा में फाइटर से बम बरसाती है तो कभी टैंक के साथ गाजा के शहरों में घुसकर हमास के ठिकानों को तबाह कर देती है। लेकिन गाजा में बने सुरंग की भूल भुलैया ऐसी है कि ये जंग लंबी खिंचती जा रही है, और एक महीने बाद भी इसराइल हमास जंग में उलझा हुआ है जहां उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन ये जंग की एक तस्वीर है। दूसरे मोर्चे पर हिजबुल्ला के लड़ाके इसराइल को निशाना बना रहे हैं और जवाब में इसराइल को अपनी आधी ताकत लेबनान से युद्ध में झोंकनी पड़ रही है। हमारी मौजूदगी मायदीन इलाके में हो रही के बाद एक यहाँ पर लगातार एयर स्ट्राइक की आवाज़ अभी हमें सुनाई दी है। देखिए ये पूरा इलाका एकदम से यहाँ पर खाली है, आप तस्वीरों में देखेंगे बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर ये पूरा इलाका है। एक के बाद एक कई एयर स्ट्राइक की आवाज़
हमें यहाँ पर सुनाई दी। हम एक जगह यहाँ पर रुके हुए थे और इमारत पूरी तरह से हिल गई थी, इतना ज़बरदस्त स्ट्राइक यहाँ पर हमें सुनने को मिली। ये पूरा इलाका अब सरहदी इलाका है और यहाँ पर लगातार आप देखिए सड़कों पर कोई नज़र नहीं आएगा, इक्का दुक्का गाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी, लेकिन यहीं आसपास में कहीं स्ट्राइक हुई है। बहुत तस्वीर जो है वो बेहद ख़तरनाक, अब इसराइल लेबनान बॉर्डर की ओर चलिए, क्योंकि यहीं पर लगातार एक के बाद एक जो फाइटर प्लेन है उसके बाद जो स्ट्राइक होती है, उसके बाद जो आवाजें आई थी वो बेहद डरावनी थी। लेकिन हमास से जंग में अपनी पूरी ताकत से लड़ने वाला इसराइल ऐसा लग रहा है कि वो कई मोर्चों पर युद्ध में उलझ गया है और हमास इसराइल जंग में हिजबुल्ला का वॉर प्लान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लेकिन सवाल है कि हिजबुल्ला क्या ये सब अपने अकेले दम पर कर रहा है, क्योंकि जंग पर बारीक नजर रखने वाले तो यही कह रहे हैं कि हिजबुल्ला के पीछे ईरान का हाथ है और ईरान से ही हिजबुल्ला को इतनी ताकत मिल रही है कि उसने इसराइल के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। वॉर एक्सपर्ट तो यही कह रहे हैं कि हिजबुल्ला इसराइल को लेबनान फ्रंट पर उलझाए रखना चाहता है और ऐसा लग रहा है कि वो इस रणनीति में कामयाब होता दिख रहा है और यही वजह है कि हिजबुल्ला के लड़ाके इसराइल की सेना को निशाना बना रहे हैं। ऐसे भी हिजबुल्ला प्रमुख पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर इसराइल हमास पर हमला करता है तो लेबनान में जंग का मोर्चा हमेशा खुला रहेगा। نحن المرة الأولى في تاريخ المقاومة في لبنان نستخدم المسيرات الهجومية الانقطاضية. اسرائيل کی جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی، مطلب صاف ہے کہ حزب اللہ اب اسرائیل سے جنگ میں رکنے والا نہیں ہے اور وہ نہیں، وہ اسرائیل پر حملے روکنے والا ہے۔ इसराइल से जंग में अपनी पूरी लाभ लश्कर के साथ युद्ध करेगा। गाज़ा और हमास पर इसराइली हमले के खिलाफ जंग में कूदा हिजबुल्ला एक से एक घातक हथियारों से इसराइल पर हमले कर रहा है। हिजबुल्ला के पास नए नए किस्म के हथियार और घातक मिसाइलें हैं और इन हथियारों से वो उत्तरी इसराइल और दक्षिणी इसराइल को निशाना बना रहा है। हिजबुल्ला ने इसराइल लेबनान बॉर्डर के करीब अब तक कई बड़े हमले किए हैं। इनमें हिजबुल्ला ने बड़ी संख्या में इसराइलियों को मार गिराने का दावा भी किया है, जिसके जवाब में इसराइल की सेना लेबनान बॉर्डर पर एयर स्ट्राइक शुरू कर रही है और लेबनान के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा भी किया है। लेकिन जिस तरह से दोनों तरफ से हमले हो रही हैं, जंग न सिर्फ भड़क रही है बल्कि बढ़ती ही जा रही है।